30 ऐसे नए स्टार्टअप जिसमें असनीर सर ने बहुत ही ज्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टार्टअप है, 5 मिनट में बताता हूँ। नंबर 1, 4 साल पहले तक हम भी सोचते थे यार काश हम भी गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी US कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते तो यार हम पे भी पैसों की बारिश हो जाती, राइट। 4-5 साल पहले ये करना इजिली पॉसिबल नहीं था, फिर यहाँ पर आया वेस्टेड स्टार्टअप जिसने हमारी इस प्रॉब्लम को समझा और बनाया एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म जिसकी हेल्प से हम US स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों है ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया। 2018 में फाउंड हुआ था, $2.8 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुका है और इसमें हमारे असनीर सर ने भी इन्वेस्ट किया है। नंबर 2, ज़ोरो। ज़ोरो एक बहुत ही न्यू टाइप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पर अपनी रियल और ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर सकते हो और किसी को पता नहीं लगेगा कि आप कौन हो या आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे जब कोई बंदा मास्क पहन लेता है और उसे लगता है कि उसे कोई पहचान नहीं रहा तो बंदा अपना रियल कैरेक्टर में आ जाता है। ये स्टार्टअप भी कुछ इसी टाइप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ हर एक बंदा बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के अपने रियल ओपिनियन शेयर कर सकता है। मस्त बात तो ये कि ये प्लेटफॉर्म अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ और इसमें असनीर सर, रितेश अग्रवाल, कुणाल साहब, पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया है। नंबर 3, फ्रीडम। मानो ना मानो आज इंग्लिश इस दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी जल्दी इंग्लिश सीख लो उतने ही आपके लिए बढ़िया है। स्टार्टअप, जॉब्स, इंटरव्यू सब में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आप भी जाकर अभी सीख ही लो अगर आपको नहीं आती। YouTube पर इंग्लिश लर्निंग जो वीडियोज़ होती है उनमें तो भाई करोड़ों में व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम स्टार्टअप ने क्या किया कि 3 से 12 साल के बच्चों के लिए एक इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बना दिया। अब बच्चे पेड ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेकर इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इजली सीख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। 2008 में ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था, फंडिंग इन्होंने $2.8 मिलियन की की है और बहुत ही ज्यादा एक ऑसम आइडिया है। नंबर 4, फिलहाल जो मार्केट है फुल ऑफ अनहेल्दी फ्राइड स्नैक से भरा हुआ है। पैकेट खोलोगे तो उसमें चिप्स कम, फैट और ऑयल ज्यादा मिल जाते हैं। कोई भी इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं कर रहा था। टैक्सी स्टार्टअप जिसे आपने शायद शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा, अपने हेल्दी और टेस्टी स्नैक की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो चिप्स और स्नैक होते हैं ना तो फ्राइड होते हैं, ना बेकड होते हैं, ना ही इनमें किसी टाइप का कलर यूज होता है और फैट में भी 50% कम होते हैं। एक परफेक्ट बैलेंस्ड फिट स्नैक ये बनाते हैं जिसके लिए ये पॉपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिसमें ये चिप्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं जिसके कारण जो इनके चिप्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल, प्लाम ऑयल और ट्रांसफैट जैसी चीज़ें नहीं होती। 2019 में ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था जिसमें असनीर सर ने 70 लाख फॉर 2.75 इक्विटी के लिए इन्वेस्ट किया था। नंबर 5, पॉकेटली। और सच में यार इनका आइडिया बहुत ज़्यादा ऑसम और बेस्ट लगा। तो देखो यार, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ में भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उन्हें इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और जो ये स्टार्टअप है ना कॉलेज स्टूडेंट को इंस्टेंट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है। आप इनके प्लेटफॉर्म पे इजिली 500 to 5,000 rupees तक लोन ले सकते हो जो आपके सीधा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसे आप नेक्स्ट मंथ तक आराम से चुका सकते हो। बट इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपके पास आपकी कॉलेज की आईडी और आपको KYC करवाना पड़ेगा। 2019 में ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था, प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.7 की है, प्लस 5 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। असनीर सर ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। वैसे कॉम्पिटिशन अभी बहुत ज़्यादा कम है और जो ये जो मार्केट है ना आप इसमें अभी चाहो तो एंटर हो सकते हो। तो ये थे 5 स्टार्टअप आइडियाज़। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं 10 आइडियाज़ और आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे 500 लाइक चाहिए इस स्टार्टअप वीडियो पर। बहुत मेहनत लगती है और मुझे पता है कि आप कर ही दोगे, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे भी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो जल्दी से मेरे 500 लाइक्स करवा दो। और आइडियाज़ चाहिए तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ऑसम आइडियाज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।